हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको दो एग्जांपल करके बताएंगे, जिसमें जो पहला एग्जांपल होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको कोई ऐसी नीड आ जाती है कि आपको नंबर इंटर करना है, वो भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। दशमलव के बाद आप, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है और दशमलव के बाद आप चाहते हैं सिर्फ 2 डिजिट इंटर हो, तीसरी चौथी और पांचवीं डिजिट अगर आप इंटर करो तो ये एक्सेप्ट ना करे या फिर आपको यहाँ पे एरर दे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दशमलव के बाद आपको यहाँ पे दे सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट आप यहाँ पे इंटर कर सके। तो मान लीजिए कि ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। तो जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है ये प्रोडक्ट के नेम के लिए, तो मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है तो ये इसका नाम मैंने दे दिया, इट्स नोकिया लूमिया 510, ओके। और यहाँ पे क्वांटिटी 3 और ये इसकी प्राइस मान लीजिए ये, ठीक है, 6600 ये प्राइस है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, सबमिट पे, तो ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरे पास यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने एक टेबल जो मैंने बनाया हुआ है, टेबल का जो नाम है वो है प्रोडक्ट इन्फो। यहाँ पे है 3 कॉलम, पहला जो है प्रोडक्ट नेम, ये प्राइमरी की है, दूसरा क्वांटिटी और तीसरा जो है वो है प्राइस। तो अभी जो मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड एंटर किया वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। तो ये आ गया डेटाबेस में, यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी मैंने रन किया, तो अभी मैंने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी जो दिया था और ये प्राइस। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ पॉइंट के 2 डिजिट तक आप यहाँ पे वैल्यू इंटर कर सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे जो एक खासियत है विजुअल स्टूडियो की, यहाँ पर आपको क्या होता है कि बने बनाए कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हमारा प्राइस वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, मैं चाहता हूँ इसको वैलिडेट करना चाहता हूँ कि सिर्फ दशमलव के 2 डिजिट तक इसमें वैल्यू एक्सेप्ट करें। तो भाई आप आएंगे टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स में आपके पास एक यहाँ पे एक वैलिडेशन सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं कंट्रोल के थ्रू आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पर जो है एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसका जो काम होता है कि किसी भी कंट्रोल में वैल्यू है या नहीं, अगर वो कंट्रोल इम्पटी है तो यूज़र को एक मैसेज दे कि आपका जो कंट्रोल है वो इम्पटी है। उसके बाद आता है आपका रेगुलर उसके बाद आपका है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर से आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में किस तरह की वैल्यू आप इंटर करना चाहते हो, आप उससे उसके एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ ये जो हमारा प्राइस वाला टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैं इसी को वैलिडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर साइड में हम क्लिक करेंगे और यहीं पर जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल है उसे डबल क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद ये आपका कंट्रोल है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी में चलेंगे इसके। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल आप यूज कर रहे हो, ये कंट्रोल किस पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आएंगे कंट्रोल टू वैलिडेट, तो जिस भी कंट्रोल पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर मैसेज, तो एरर मैसेज में आप क्या देना चाहते हैं, तो एरर मैसेज में आप कोई भी एक मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे कि ये जो मैसेज है इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ओके, और यहाँ पर चलेंगे और इसके एरर मैसेज में मैं यही मैसेज, आप यहाँ पर कोई भी मन चाहे मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये मैंने इसे दे दिया। अब इसके बाद इसका एक फॉर कलर आप इसे रेड कर दो, क्योंकि जब भी कोई वार्निंग होगी आप उसे रेड में दिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दो चीज़ हो गई, ठीक है, ये दो चीज़ आपने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाद इसका आता है एक, यहाँ पर आपको मिलेगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं। सपोज करो जैसे कि आपका क्या है फ्रेंच मोबाइल नंबर, तो फ्रेंच में कैसे मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, उसका जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हर जो भी टास्क आप करना चाहते हैं उस टास्क के हिसाब से ये भिन्न अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जर्मन पोस्टल कोड, तो जर्मन पोस्टल कोड में जैसा होता है वो वैसा आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दे देना है। अब बात करते हैं अगर हम जैसे कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो पोस्टल कोड होता है वो उसमें आपको मिलेंगे टोटल जैसे कि 5 डिजिट होते हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पे किसी भी कंट्रोल को आप यहाँ पे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में जैसे क्या होते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर हम लैंडलाइन की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलता है 4 या 5 डिजिट का, पहले तो पिन कोड हो जाएगा यानी कि कंट्री कोड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर होगा 6 डिजिट का वो। और अब मोबाइल नंबर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है टोटल 10 अंक का आपका मोबाइल नंबर और 2 अंक का कंट्री कोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, अगर पोस्टल कोड के लिए चाहे पिन कोड के लिए चाहते हैं तो आप ये यूज करो, फोन नंबर के लिए चाहते हो तो आप ये यूज करो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपना मनचाहा कुछ चाहते हो तो आप यहाँ पे कस्टम पे सेलेक्ट करो, तो कस्टम पे आप सब सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको
एक आपके पास वैलिडेशन एक्सप्रेशन होता है, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे टोटल है दो वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आप ये यूज करोगे, आपने ये यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया और यही आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करो और इसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अब जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में पॉइंट के बाद दो से ज्यादा डिजिट इंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर ये देगा। तो इसे मैंने सेव कर लिया और इस पेज को एक बार हम करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो अब यहां पर हम एक प्रोडक्ट का नाम यहां पर इंटर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका गूगल पिक्सल ओके 1 और इसकी क्वांटिटी आपने दे दिया 5। अब यहां पर इसका नंबर आपको इंटर करना है, तो मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके से ठीक है 55,000 और पॉइंट में आपने लिखा 789, ठीक है। पॉइंट के बाद मैंने क्या दिया, तीन डिजिट इंटर किए। तो जब भी यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज क्या सबमिट नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने जो प्राइस की जो वैल्यू आपने इंटर की है वो क्या कह रहा है, इंटर नंबर अप टू 2 decimal place तक, सिर्फ 2 decimal place तक आपको इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, एक वैल्यू आप यहाँ पे कम कर दो, ठीक है, आपने एक वैल्यू यहाँ से कम कर दिया, अब जब आप सबमिट करोगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे वैलिडेट कर लिया। अब आपके पास एक दूसरा जो वैलिडेशन है, या आप इससे भी कर सकते हो, और एक एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला, ये एक्सप्रेशन को आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे कि इट्स मोटो G1, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी 1 है, अब इसकी जो प्राइस है ये आपका 3400 रुपये, पॉइंट के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे 000 इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे लिखा 1। अब आप सबमिट करोगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि मैं लेता हूँ 123 पॉइंट ओके, तो 000.90 इस तरीके से मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे इंटर किया। अब जैसे सबमिट में कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड सबमिट कर ले रहा है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, जो भी अभी हाल ही में जो मैंने वैल्यू इंटर की, जैसे कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, तो ये मतलब जो नंबर है ये इनकरेक्ट नंबर है, ठीक है, ये इनकरेक्ट नंबर है। तो अब आप चाहते हो कि आप जो नंबर इंटर करो वो प्रॉपर एक वैलिड नंबर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस केस में आपके पास जो सेकंड आपके पास जो एक्सप्रेशन है, आप ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी कर लो। अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ से इस कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे एक्सप्रेशन पर, फिर से आपको क्या करना है, कस्टम सेलेक्ट करना है और इस बार आपको इसे पुराना वाला हटा के जो नया वाला एक्सप्रेशन है आपको ये यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया ओके और एक मिनट, अब हम इसे एक बार फिर से यहाँ पे रन करेंगे। तो ये मैंने इसे रिफ्रेश किया एक बार ओके। अब मेरे पास एक और वैल्यू है यहाँ पे, मान लीजिए एक और यहाँ पे प्रोडक्ट है नोकिया, इट्स ओके और इसकी जो क्वांटिटी मान लीजिए 3 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे वैल्यू इंटर करना चाहता हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 123000.25 इस तरीके का, मैंने कुछ यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है नहीं भाई ये जो नंबर है इट्स एक प्रॉपर नंबर नहीं है ना, ये नंबर आपको पॉइंट में डायरेक्टली दे रहे हो 00 मतलब कुछ नहीं, पर अगर आप इसी को अगर आप ऐसे लिखो .25 तब ये ले लेगा, ठीक है। तो अब ये सबमिट करोगे, अच्छा अब भी नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कोई आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जो कीमत होगी एटलीस्ट 1 रुपया तो होगा, ऐसा नहीं कि पॉइंट में तो होगा नहीं वो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इसे लिख दूँ कि 2400.50 रुपये, ठीक है, इस तरीके का आपने दिया, तो अब ये सबमिट कर लेगा, ठीक है, सक्सेसफुली आपका जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो गया। और आप जैसे इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो जो रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर किए हुए हैं, जैसे कि अभी हाल ही में ये मैंने किया था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये एक्सप्रेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये एक्सप्रेशन आप रख लीजिएगा। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो ये है, जैसे कि इसे एक बार रिफ्रेश कर दूं, दूसरा टास्क हमारा ये है कि मैं चाहता हूं यहां पर मेरे पास ये है एक लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स में मैं चाहता हूं, पहला टास्क ये है कि लिस्ट, दूसरा जो टास्क है कि लिस्ट बॉक्स में जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहां से सेलेक्ट करो और जैसे आप डिलीट पर क्लिक करो तो वो प्रोडक्ट क्या होना जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, तो जिस तरीके से आप कम्बो बॉक्स में किसी भी कॉलम का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करते थे, तो सेम वही कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो में हम चले एक बार, तो यहाँ पर भाई आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे पास है एक लिस्ट बॉक्स,
तो लिस्ट बॉक्स आपने यहाँ से टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से आपको एक लिस्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब इस लिस्ट बॉक्स में हम यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। देखिए लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो लिस्ट बॉक्स में, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है इसमें आपको क्या कहते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्मार्ट टैग पे क्लिक करेंगे और लिस्ट बॉक्स को आपको क्या करना है, इनेबल ऑटो पोस्ट पे किसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब मैं चाहता हूँ जब हमारा पेज लोड हो तो पेज के लोड पे हम इस लिस्ट बॉक्स में डेटाबेस जो है हमारा ये प्रोडक्ट इन्फो, यहाँ से प्रोडक्ट कॉलम वाला जो वैल्यू है ये सब इसमें डिस्प्ले करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे चलेंगे तो आ जाते हैं हम ये आ गए, ओके तो आ गए हम पेज के लोड पॉइंट पे। तो मैंने बोला जब पहली बार पेज लोड हो तो एक शो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या करेगा, डेटाबेस से वैल्यू निकाल के आपके लिस्ट बॉक्स में सबमिट करेगा, ठीक है। तो चलते हैं शो शो शो, ये रहा आपका शो। तो गाइस ये है आपका शो फंक्शन जिसके थ्रू आप लिस्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले तो आपने कहा कि लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर दो, मान लो कोई वैल्यू है तो क्लियर करो। अब ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आपने बना दिया, कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पर है हमारी क्वेरी। क्वेरी क्या है, आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट इन्फो से आप सब कुछ सेलेक्ट करो, फिर आपने एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ये आपका डेटा टेबल, अब आपने इसे डेटा टेबल में फिल कर दिया। अब ठीक है यहाँ पर आएंगे, हमने यूज किया फॉर इच लूप। फॉर इच लूप इट मीन्स कि जो आपका यहाँ पे डेटा टेबल और डेटा रो, जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे उतनी बार ये आपका लूप चलेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स है उसमें प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम है जितनी भी वैल्यू होंगी सबको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ एक लेबल है, इस लेबल में मैंने क्या किया है कि लिस्ट बॉक्स में जितने भी आइटम है सबको काउंट करो, जितना रिजल्ट आता है वो आपको उस लेबल फोर में डिस्प्ले कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंने लगाया हुआ टोटल रिकॉर्ड करके, ठीक है यहाँ पर ये क्या कह रहा है 11 रिकॉर्ड है टोटल। तो इसलिए अब इसके बाद आपने देखा कि जो शो नेम वाला फंक्शन है इसके थ्रू आपने लिस्ट बॉक्स में जो वैल्यू है आपने उसे डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिल जा रही है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ जब भी मैं लिस्ट बॉक्स में किसी भी प्रोडक्ट के नेम को सेलेक्ट करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए गूगल पिक्सल को मैंने किया सेलेक्ट, अब इसकी जो वैल्यू है आपको यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट का नाम क्या है गूगल पिक्सल, क्वांटिटी कितनी है 5, और प्रोडक्ट की प्राइस कितना है, यहाँ पर आपको प्राइस भी देखने को मिल रहा है। और जैसे आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड क्या हो गया, सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, पेज को एक बार रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल पिक्सल का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और डेटाबेस में भी देखिए यहाँ गूगल पिक्सल है, जब आप इसे एक बार रिफ्रेश करोगे तो इस बार क्या हुआ, गूगल पिक्सल यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से आप इसे कर पा रहे हो। तो हमें क्या करना है, जो हमारा लिस्ट बॉक्स है तो लिस्ट डिज़ाइन पे आते हैं, लिस्ट बॉक्स का यहाँ पर एक इवेंट होता है, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में चलेंगे तो इसका एक इवेंट होता है, इवेंट पे आएंगे सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, जैसे आप इसमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होगा। अब यहाँ पर क्या, मैंने एक सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, लिस्ट बॉक्स के सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट पे मैंने एक फंक्शन है गेट डेटा नाम से, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो गेट डेटा फंक्शन के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ से जो आप प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करोगे उसकी सारी की सारी वैल्यू आपको इन जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें डिस्प्ले करना है। तो चलेंगे गेट डेटा फंक्शन की तरफ, तो ये हमारा गेट डेटा फंक्शन, दिस इज द शो फंक्शन, शो नेम ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है आपका गेट डेटा फंक्शन। तो गेट डेटा फंक्शन में आपको क्या करना है, हमें लिस्ट बॉक्स से जो भी प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट किया है उसका प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और प्राइस तीनों हमें टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। तो ये क्वेरी हो गई, मैंने कहा कि सेलेक्ट करो प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट इन्फो वेयर प्रोडक्ट का नाम जो मैंने लिस्ट बॉक्स 1.txt से जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो। उसके बाद यहाँ पे फिर ये अपने एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, और जितनी भी वैल्यू होगी मतलब कि जितने भी कॉलम होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली 3 कॉलम है, तो मैंने बोला कि टेक्स्ट बॉक्स जो 4 है उसमें प्रोडक्ट का नाम, टेक्स्ट बॉक्स 5 में क्वांटिटी, और टेक्स्ट बॉक्स 6 में आपको प्राइस यहाँ पे दिखाना है, फिर सबको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये आप कोड देख लीजिए एक बार, ओके तो यहाँ पे ये हो गया क्लोज। तो इस कोड के थ्रू आप क्या करेंगे, जैसे ही कोई वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से लिस्ट बॉक्स से, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हमारे पास है डिलीट बटन, तो डिलीट बटन पे मैंने कोड किया है तो वो मैं आपको दिखा दूं। तो डिलीट बटन पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ गया, तो मैंने बोला पहले अगर आपने लिस्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया, अगर ये नल है तो आपको एक मैसेज दे देंगे और यहीं पर टास्क हमारा रुक जाएगा, और अगर आप कोई वैल्यू सेलेक्ट किया है आपने तो इल्स पार्ट में आएंगे,
यहाँ से हम चलाएंगे लूप। तो लूप क्या कह रहा है कि यहाँ से जैसे कि आपने अगर मल्टीपल सेलेक्ट किया तो उस केस में, तो यहाँ से आप एक तो लूप चलेगा, जैसे कि टोटल 11 वैल्यू है, ठीक है, 11 में से आपने कौन सी, यहाँ पर आप आ जाओ तो टोटल 10 वैल्यू है, तो 10 में से आपने कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये वाला वैल्यू सेलेक्ट कर दिया, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा वैल्यू सेलेक्ट किया, तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन, अगर जो हमने आई की जो वैल्यू होगी, देखिए टोटल रिकॉर्ड यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है, तो टोटल रिकॉर्ड 10 हो जाएगा। अब 10 में से आपको क्या करना है, कौन सा आपने सेलेक्ट किया, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर उसकी आई की वैल्यू आ जाएगी। और वही यहाँ पर फिर हमने बनाया क्या, एक फंक्शन बनाया, डिलीट रिकॉर्ड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, जो भी सेलेक्टेड इंडेक्स है, जिस भी आइटम को आपने सेलेक्ट किया है, तो उसकी जो वैल्यू होगी हम यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं, फंक्शन का नाम डिलीट रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द प्राइवेट वाइड डिलीट रिकॉर्ड। और इस फंक्शन में मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास की, यहाँ पे लिखा आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, तो यहाँ से तो जो भी लिस्ट बॉक्स में आपने जो भी वैल्यू सेलेक्ट की है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, यही नाम यहाँ पे आपको आईडी में पास हो जाएगा। फिर आपने कनेक्शन को ओपन किया, फिर आप क्या कर रहे हो, एक अपनी क्वेरी बनाई कि डिलीट करो प्रोडक्ट इन्फो से, जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम जो भी इस आईडी वाले में हो, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपने ट्राई बना, ट्राई और कैच लगाया, फिर यहाँ पे कनेक्शन ओपन, फिर मैंने इसे रन किया, ठीक है। यहाँ पर अपने पैरामीटर को वैल्यू क्या दी, आईडी की जो वैल्यू होगी वही आईडी, वो वैल्यू इस पर्टिकुलर जो पैरामीटर आपने क्रिएट किया इसकी हो जाएगी। फिर आपने इसे एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही अगर ये सक्सेसफुली डिलीट होगा, तो आपको एक यहाँ पे मैसेज मिलेगा अलर्ट बॉक्स में कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक आपका रन करेगा, और फाइनली मैं आपको कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो बस इतना सा है ये कोड, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंटर करूँ, तो सपोज़ करो कि यहाँ पे गूगल पिक्सल मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, और इसका 11 क्वांटिटी, और मान लीजिए इसकी जो प्राइस है, ठीक है, 10, ये इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो आपने नंबर इंटर किया है वो डेसिमल के टू प्लेस से ज़्यादा, यहाँ पे आपने क्या 10 के बाद 2 से ज़्यादा वैल्यू इंटर किया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा था। पर अब आपने इसे सॉल्व किया, तो रिकॉर्ड आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार इसे रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर गूगल पिक्सल आ गया, अब मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसकी जो वैल्यू है आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब जैसे आप डिलीट पर क्लिक करोगे, तो ये रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, डिलीट बटन के कोड पे जब डिलीट हो जाए, तब आपको जो गेट डेटा वाला फंक्शन है आपको वो कॉल करना है, फिर शो नेम वाला जो फंक्शन है आपको ये कॉल करना है, ठीक है। तो ये है आज का टास्क, तो ये शो नेम वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया। और अगर मैं आपको डिलीट बटन ऐड बटन जो है, सबमिट बटन, उसका कोड में दिखाऊँ, तो सबमिट बटन का जो कोड है बहुत ही सिंपल है, जैसे आप प्रीवियस कोड में करते थे, सेम वही कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका कोड, और आप